तो आपने देखा कि इस वक्त जो आरसपुरा के पूरे आरसपुरा का हाल हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार तस्वीरों में हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए सुखजिंदर जी के जो मात्र 20 वर्ष उनकी उम्र थी तो उनके पार्थिव शरीर जो है उनके निवास स्थान पर पहुंचा है और उनके पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं कि वहां पर लोगों का हजूम किस तरह से उमड़ा हुआ है और अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर लगातार जो है अपने भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा सभी तेरा नाम रहेगा। शहीद शबी भाई अमर है। 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 शहीद शबी भाई अमर जनाब पीछे कर लो उस्ताद जी फिर बरकी पीछा पीछा दो तीन पीछे पीछे पीछे
पूरे आरएसपुरा ने सुखजिंदर जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मात्र 20 वर्ष की उम्र में 11 जैकलाइन में तैनात थे और लैंडस्लाइड होने के कारण उनकी जान चली जाती है और 20 वर्ष की उम्र में जो है भारतीय सेना में तैनात थे, सेवाएं दे रहे थे और वीरगति को प्राप्त होते हैं। और आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, उनके निवास स्थान पर पहुंचा, पूरा का पूरा आरसपुरा वार्ड नंबर 8 वो वहां पर रहते थे और अपनी पूरे परिवार के साथ। और मात्र 2 महीने के बाद उनकी बहन की शादी होने वाली थी और पूरे परिवार ने उम्मीद लगाई थी कि बड़ी ही खुशियों के साथ हम जो है शादी का माहौल बना हुआ था, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और आज पूरा आरसपुरा नम आंखों से विदाई देता हुआ नजर आया। ये एक बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे आज खबर के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।